for reconstitution of partnership firm or change in profit sharing ratio. I will take illustration number 1 on page number 3.3. What is the illustration? A and B are partner. A and B are partner in a firm in the ratio 2:1. A and B are partner in the ratio 2:1. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profit and losses equally. From 1st April 2019, they decided that their ratio would be equal. Calculate the individual partners' gain or sacrifice due to change in ratio. आपको इसमें क्या बताना है कि रेशियो चेंज करने से किस पार्टनर को फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ या किसी को फर्क नहीं पड़ा। अब आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि बी का शेयर पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ऐसे कभी नहीं बोलना, हमें इसको चेक करना है फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करके देखो, आपको इससे पता लगेगा कि किस पार्टनर को लॉस हुआ है और किस पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है, कोई कौन गेनर है, कौन सैक्रिफाइसर है, आपको इस फॉर्मूले से पता लगेगा। क्या करना है इसमें आपको, यहां पर दोनों पार्टनर्स के लिए करेंगे हम, थोड़ा सा गैप रखेंगे ए के लिए भी बी के लिए भी, और एक लाइन का बीच में गैप रखना है। दोनों को हम एक साथ ही अटेम्प्ट कर सकते हो। फॉर ए, व्हाट इज ओल्ड रेशियो फॉर ए? 2:1, इट मींस वी कैन से 2/3। एंड फॉर बी, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो फॉर बी? 1:3, राइट हियर 1:3। तो दोनों पार्टनर्स की मैंने ओल्ड रेशियो लिखे हैं। बात है सर दोनों को एक साथ ही करना जरूरी है? नहीं, आप एक एक करके कर सकते हैं। आप पहले ए को क्लियर कर लो, फिर आप बी को क्लियर करो। माइनस न्यू रेशियो, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ ए? 1:1, इट मींस यू कैन से 1/2। एंड फॉर बी, व्हाट इज द न्यू रेशियो? सेम 1/2। तो मैंने ओल्ड रेशियो को मेंशन किया, न्यू रेशियो को मेंशन किया, अब उन दोनों को आपस में माइनस करना है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहां पर कितना होगा? 6, ये होगा 4, ये होगा 3, कितना बना? 1/6। एंड फॉर बी, 6 एलसीएम रखना है इसका, 6, ये होगा 2-3, कितना होगा? -1/6। मतलब एक पार्टनर पॉजिटिव है, एक पार्टनर नेगेटिव है। क्या शो करता है ये? हमें निकालना था सैक्रिफाइस रेशियो, हमें चेक करना था कि किस पार्टनर को रेशियो चेंज करने से नुकसान हुआ, मुझे ये चेक करना था। तो जो पार्टनर पॉजिटिव है उसका मतलब उसको रेशियो चेंज करने से लॉस हुआ है, वो सैक्रिफाइसर है। पर जिस पार्टनर का सैक्रिफाइस माइनस में आ गया, इसका मतलब उसको उल्टा गेन हुआ है, उसको नुकसान नहीं हुआ रेशियो चेंज करने से। यहां पर जो रेशियो 2:1 थी, इसको कन्वर्ट कर लिया 1:1 में, तो इस रेशियो में आपको तो लगेगा कि बी को कुछ नहीं हुआ, बट यहां पर पता लगा कि बी को रेशियो चेंज करने से फायदा हुआ है। तो यहां पर कितना फायदा हुआ है? 1/6। तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर रहे थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो पार्टनर पॉजिटिव है उसको तो हम सैक्रिफाइसर मानते हैं, और जो पार्टनर नेगेटिव है हम उसको गेनर मानते हैं, मतलब उसको कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। अब बात आई सर ये कैसे मान लो इसको फायदा हुआ है, हमें तो नहीं लगता इसको फायदा हुआ है। आप एक एग्जाम्पल लेके चलो, मान लो मुझे 60 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने थे, 60 रुपीज ए और बी में, तो पहले के रेशियो के अकॉर्डिंग ए को कितने पैसे मिलते होंगे 60 रुपीज में? अगर 60 रुपीज प्रॉफिट मान के चलता हूं और मैं इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो इसमें ए का शेयर बनेगा 40,000। कैसे करते हैं? 60 × 2/3 फॉर ए, ये हुआ 40 रुपीज। मतलब जब पहले 60 रुपए प्रॉफिट होता था और उनके रेशियो 2:1 थी, तो इसमें ए को तो मिलता था 40 रुपए और बी को मिलता होगा 20 रुपए। टोटल 60 रुपए का प्रॉफिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता होगा आज से पहले, बिफोर 1st अप्रैल 2019।
तो ए को 40 रुपए मिलते होंगे, बी को 20 रुपए भुगतते होंगे, लेकिन आप रेशियो चेंज कर ली, अब क्या हुआ होगा, मान के चलते हैं इस ईयर भी 60 रुपीज प्रॉफिट हुआ, तो जब मैं 60 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बिटवीन ए एंड बी इन न्यू रेशियो, ए विल गेट 30 रुपीज एंड बी ऑल्सो विल गेट 30 रुपीज, टोटल 60 रुपीज। तो देखो यहां से अब क्लियर है, जहां पर ए को पहले 40 रुपए मिलते थे अब उसे 30 रुपए मिला करेंगे, तो इसको तो कम मिला करेंगे, यानी कि इसको नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, ये सैक्रिफाइसर है, रेशो बदलने में इस पार्टनर को कुछ ना कुछ सैक्रिफाई करना पड़ा, ये सैक्रिफाई वाला है क्योंकि इसको कम पैसे मिले। फॉर बी, जहां पर बी को पहले 20 रुपए मिलते थे अब बी को 30 रुपए मिलेंगे, यानी कि बढ़ के मिलेंगे, और जिस पार्टनर को कुछ बढ़ के मिला, इंक्रीज हुआ उसका शेयर, उस पार्टनर को गेन हुआ है। यानी कि जब हमने इस रेशियो में डिवाइड करके देखा किसी अमाउंट को, तो हमें एक्चुअल में सिचुएशन पता लगी कि ए को तो कम मिलेंगे आगे से और बी को 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो इस हिसाब से बी कौन हुआ, ज्यादा मिलेंगे तो गेनर, और यहां से हमारा फॉर्मूला भी क्या कहता है, गेनर, यानी कि बी को कहीं ना कहीं फायदा हुआ है इस रेशियो को चेंज करने से और ए को कहीं ना कहीं लॉस हुआ। तो हम इस अमाउंट के साथ हर क्वेश्चन को ऐसे क्रॉस चेक नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को यूज करना है। जैसे आपको क्वेश्चन में कोई दो रेशियो मिली, ओल्ड भी मिलेगी और न्यू भी मिलेगी, आप फटाफट इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, आप सैक्रिफाई रेशियो निकालेंगे, आप ये देखेंगे कि किसको नुकसान हुआ है। हाँ, हमेशा इस चैप्टर में इसी को देखेंगे कि लॉस किसको हुआ, जिसको फायदा हुआ होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा, जो नेगेटिव बनेगा वो गेनर बन जाएगा, तो हमें हमेशा इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। एक इलस्ट्रेशन और करते हैं इस चीज के लिए।